केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। यह संख्या 78,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले जेईई नीट की परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर देश के युवा, खासकर चिकित्सक एवं इंजीनियर से आयोजित होने वाले परीक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगा है। मुख्यमंत्री के सुझाव मांगे जाने पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए हेमंत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह संभवतः देश का पहला मामला है जब कोई मुख्यमंत्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जनता से फीडबैक ले रखा है। मुख्यमंत्री जी को सारी एनर्जी इस बात पर लगानी चाहिए कि सभी परीक्षा केंद्रों में संक्रमण से बचने के सभी उपाय हो और सुरक्षित तरीके से परीक्षा हो, लेकिन वह अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। देखिए, हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश का संभवतः पहला उदाहरण हो कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर फीडबैक लेने की बात कर रहा हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो नेट और जेईई के एग्जामिनेशन के मुद्दे पर छात्रों से, विद्यार्थियों से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से फीडबैक लेंगे, और जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कंडक्ट हो रहा है। अगर ये यही एनर्जी एग्जामिनेशन सेंटर्स में बेहतर व्यवस्था करने में लगाते, सैनिटाइजर्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अच्छे तरीके से पालन हो, इस पर ज्यादा फोकस होता तो बेहतर चीजें होती। और 19 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है, तो मुख्यमंत्री जी को छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए और पूरे सिस्टम को इन परीक्षाओं को सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से कराने में लगाना चाहिए। लेकिन अभी भी वो इस मुद्दे पर राजनीति करते दिख रहे हैं।